गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें एक टॉपिक देखने वाले हैं, लॉ देखने वाले हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे ही हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स भी बोल सकते हैं। नाउ ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जैक्ट क्या है, तो कोई भी लॉज अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले कोई लॉ क्या स्टेटमेंट बताता है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप लोग कभी भी लॉ के पहले कोई एक्सप्लेनेशन गिवन है तो एक्सप्लेनेशन लिख देते हो तो ये रॉन्ग मेथड है। तो ये लॉ फर्स्टली क्या स्टेट करता है, तो द लॉ स्टेट दैट स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी है, इसेंशियल है। ये लॉ क्या स्टेट कर रहा है, द लॉ स्टेट दैट व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म गमेट्स द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इन डिफरेंट गम। यहाँ पे क्या बताया है, ये लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया है, व्हेन F1 हाइब्रिड। अभी F1 हाइब्रिड कब बनेगा, तो हम लोगों ने ये लॉ समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था वो सामने लाना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा। तो F1 हाइब्रिड मीन्स क्या, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन हाइब्रिड कब फॉर्म हुए थे, तो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा था कैपिटल टी टॉल पैरेंट वर्सेस स्मॉल टी डॉर्फ पैरेंट, और ये दोनों का क्रॉस किया था तब हम लोगों को क्या मिला था, F1 हाइब्रिड। तो ये क्या हुई, F1 हाइब्रिड। नाउ F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गमेट, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये गमेट फॉर्म कर रहे हैं। द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, तो जब ये F1 हाइब्रिड ने क्या फॉर्म किए हैं, गमेट फॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे जो अलील से, अलील मीन्स क्या, तो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ओके। तो ये जो अलील है वो, ये जो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, ये क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अदरवाइज सेग्रीगेट हो गए। एंड द गमेट एंड एंटर इन डिफरेंट गमेट, और अभी ये जनरली कहाँ पे एंटर हो गए, इन डिफरेंट गमेट। इट मीन्स दैट क्या, तो ये F1 हाइब्रिड है, अगर हम लोग अगर इसका सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग करते वक्त हम लोगों को F2 जनरेशन मिली थी, और F2 जनरेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों को डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल मिले थे। तो इंडिविजुअल में भी क्या हो गए, कमेट हो गए, तो हम लोगों को क्या मिला था, 1:2:1 रेशो, ओके। तो 1 क्या मिला था, प्योर टॉल, ओके। 2 क्या मिला था, हाइब्रिड टॉल, और 1 क्या मिला था, प्योर डॉफ, ओके। तो यहाँ पे ये लॉ ने, आप लोगों को ये लॉ अच्छे तरीके से समझने में आना चाहिए, इसकी वजह से मैंने आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल दिया है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोग एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन करते वक्त आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। तो ये लॉ का स्टेटमेंट है, ये लॉ हम लोगों को क्या स्टेटमेंट दे रहा है, द लॉ स्टेट दैट व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गमेट, जब ये F1 हाइब्रिड जब गमेट फॉर्म करता है, द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ये जो अलील है एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, एंड एंटर इन डिफरेंट गमेट, और कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, इन डिफरेंट गमेट में ये क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। एंड द गमेट फॉर्म आर प्योर इन दैट दे कैरी ओनली 1 अलील ईच, और ये जो भी गमेट फॉर्म हो रहे हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्योर इन दैट दे कैरी ओनली 1 अलील ईच। इट मीन्स दैट कौन सा अलील, आइदर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। हेंस दिस लॉ इज डिस्क्राइब एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गमेट। फिर से बता रही हूँ, जो गमेट फॉर्म हुए हैं, द गमेट फॉर्म आर प्योर, ये कैसे है, प्योर है, दैट दे कैरी ओनली 1 अलील ईच। ये जो गमेट फॉर्म हो गए, ये कैसे है, प्योर है, इसके पास ओनली 1 अलील है ईच। इट मीन्स दैट एक आइदर डोमिनेंट अलील है, और कैसा अलील है, रिसेसिव अलील है। डोमिनेंट अलील कैपिटल टी एंड रिसेसिव अलील कैसा है, स्मॉल टी। एंड हेंस दिस लॉ इज डिस्क्राइब एज अ लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गमेट। ये अगर सेपरेट भी हुए हैं बट उसके पास जो गमेट है वो कैसा है, प्योर है, ये अपना
तो एक बता रहा है कि आइदर मैं टॉल हूँ अदरवाइज डॉर्फ हूँ, ओके। और ये दोनों कैसे हैं, प्योर है। फिर से हम लोग देखेंगे दिस लॉ स्टेट डैट, ये लॉ क्या स्टेट करता है, व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म गमेट द अलील सेपरेट फॉर्म इच अदर, अलील क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एंड एंटर इन अ डिफरेंट गमेट, और ये कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, डिफरेंट गमेट, द गमेट फॉर्म आर प्योर इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील ईच, और ये जो गमेट फॉर्म हुए हैं वो ओनली वन अलील कैरी करते हैं, आइदर डोमिनेंट अदरवाइज द रिसेसिव, हेंस दिस लॉ इज डिस्क्राइब एज अ लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गमेट। ये जनरली गमेट कैसे है, प्योर है, ये फ्यूचर में ये इसे हम लोग टॉली बोलेंगे और डॉफ इसे डॉफ ही बोलेंगे, इट मीन्स दैट ये कैसे है, प्योर है, इसके वजह से ये लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गमेट भी बोलते हैं, और इसे और नेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अदरवाइज लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गम। ओके, सब लोगों को ये लॉ समझ में आ गया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट लॉ देखते हैं, तो नेक्स्ट लॉ कौन सा है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट। ओके, नाउ ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, फिर से मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हम लोग लॉ देखेंगे उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, और ये स्टेटमेंट क्या है, तो द लॉ स्टेट दैट व्हेन हाइब्रिड कैरी टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, अदरवाइज ये लॉ क्या स्टेट करता है, व्हेन हाइब्रिड पसेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, अदरवाइज उसे अलील बोलेंगे, फॉर्म्स गमेट द फैक्टर इन इच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। देखो अभी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से सबसे पहले तो देखेंगे। ओके, ये लॉ ने क्या स्टेट किया है, व्हेन हाइब्रिड पसेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टॉल वर्सेस डॉट, बट यहाँ पे टू और मोर, यहाँ पे टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर है, टू अलील है, इट मीन्स दैट यहाँ पे येलो एंड राउंड टू अलील के टू अलील से, और यहाँ पे ग्रीन एंड व्रिंकल। ओके, तो येलो राउंड कैसे है, डोमिनेंट सीड है, और ग्रीन व्रिंकल कैसे है, रिसेसिव सीड। ओके, तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिड है पसेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, इसके पास टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर है, अलील है, फॉर्म द गमेट, ये जब क्या बनाएंगे, गमेट बनाएंगे, द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच ऑफ द अदर पेयर, और जब ये जनरली सेपरेट हो जाएंगे और तब ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, यही ये लॉ ने स्टेटमेंट दिया है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को डायहाइब्रिड जो क्रॉस है, ठीक है, वो देखना है, डायहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डायहाइब्रिड क्रॉस ये मैंने सेल्फ वीडियो नहीं बनाया है, बट इसकी लिंक आपको सेंड किया है, व्हाट इज़ एग्जैक्ट डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोगों ने लिए है, येलो राउंड वर्सेस ग्रीन व्रिंकल, इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से हम लोग वन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें से हम लोगों ने ओनली कैपिटल वाई लिया है और इसमें से ओनली कैपिटल आर लिया है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या डिनोट करता है, येलो राउंड। ओके, और ये क्या डिनोट करता है, ग्रीन व्रिंकल, तो यहाँ से भी हम लोगों ने स्मॉल वाई किसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रीन कलर का सीर है, और स्मॉल आर व्रिंकल है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस में हम लोगों को F1 जनरेशन मिलती है, और F1 जनरेशन में हम लोगों को क्या मिला है कि ऑल कैसे है, येलो राउंड मिलेंगे। तो अभी देखो ये जब इसके जब गमेट बनाएंगे हम लोग इसके जब गमेट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को फोर टाइप के गमेट मिले हैं, कौन से
यहाँ पे कैपिटल वाई आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ओके। और ये जो गमेट्स है, अब ये क्या है, गमेट्स है। अब ये गमेट कब यूनाइट यूनाइटेड हो गए, कब कंबाइन हो गए, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करेंगे तब ये जनरली यूनाइटेड हो गए, और फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द क्रॉस, जो कि हम लोग चेकर बोर्ड की हेल्प से क्रॉस ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलता है, फिनोटिपिक एफ टू, ओके, जनरली एफ टू फिनोटिपिक रेशो। तो एफ टू फिनोटिपिक रेशो हम लोगों को क्या मिला है ये क्रॉस में, हम लोगों को मिला है 9:3:3:1। तो 9 क्या मिले, येलो राउंड, 9:3, 3 क्या मिले हम लोगों को, येलो व्रिंकल, नेक्स्ट फिर से 3 ई हम लोगों को क्या मिले, ग्रीन राउंड, और 1 क्या मिला है, ग्रीन व्रिंकल। और ये क्या इंडिकेट करता है, टू पेयर ऑफ द कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ये जो हम लोगों ने टू पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे, है ना, टू पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे, ये जनरली ये टू पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए हैं, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या, ये नहीं है। एंड टू कैरेक्टर असॉर इंडिपेंडेंटली गिव द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और ये जनरली ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, ये हम लोगों को कैसे प्रूफ हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हैं, और कॉम्बिनेशन में हम लोगों को क्या मिला है, 9:3:3:1। और ये तो जनरली फिनोटिपिक रेशो हो गया, और हम लोगों को जीनोटिपिक रेशो तो और भी डिफरेंट मिला है, डिफरेंट टाइप के हम लोगों को सीड मिले हैं। इसके वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट क्या क्या बता रहा है, ये लॉ क्या स्टेट कर रहा है, वेन जो हाइब्रिड होते हैं, ओके, हाइब्रिड के कैरी टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, इसके पास टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर जब है, तो ये जब गमेट फॉर्म करते हैं, द फैक्टर इन इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, और इसमें ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, ये जनरली सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। और ये जनरली वन पेयर है, ये सेक अदर पेयर है, तो ये भी जनरली कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। और जनरली जब जब यहाँ पे गमेट फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट काइंड के गमेट मिले हैं, 4 डिफरेंट काइंड के गमेट मिले हैं। और ये गमेट जब यूनाइट होते हैं एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो हम लोगों को एफ टू फिनोटिपिक रेशो मिलता है, येलो रिंक येलो 9:3:3:1, येलो राउंड, येलो व्रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन व्रिंकल। और ये हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है, टू पेयर ऑफ द कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली। अगर हम लोगों ने टू पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए है, जैसे येलो राउंड, ग्रीन व्रिंकल, तो ये जनरली इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर, ये शो करेंगे हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं, ये हम लोग बता सकते हैं कि टू कैरेक्टर असॉर इंडिपेंडेंटली गिव द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जब ये हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देते हैं, है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिला है, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं है ये, इसके वजह से ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ओके, थैंक यू क्लास।